हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर आदर्श फ्रॉम एनरिच डिजिटल एकेडमी। अब देखो, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज AGP या AGP इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है ना कि आपको दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस तरह से आपके पास रहेगा कि पहला वाला जो हिस्सा है वो AP में दिखेगा और दूसरा वाला हिस्सा जो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके रखा है वो आपको GP में दिखेगा। ठीक है, जैसे आप इसको देखो, जैसे इमेजिन करो, ये हम लोग सोच लिए A और दूसरा वाला A into A+D हो गया इधर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा R, फिर A+2D और ये क्या हो जाएगा R2, A+3D है ना, ये क्या हो जाएगा R3, और इसे चलते जाएगा A+N-1D और ये क्या हो जाएगा R^(n-1)। जैसे इस वाले हिस्से को देखो, क्या ये AP में है, है ना AP में, और इस वाले हिस्से को देखो, यहाँ पर 1 था, फिर R आया, फिर R2, R3, ऐसे ऐसे .. R^(n-1)। तो ये वाला हिस्सा किस में चला गया, GP में चला गया। तो इस टाइप के सीरीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। इस टाइप के अब हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, बोलता है फाइंड द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। इसमें x क्या है, -1 से छोटा है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसमें आप ये सोचो कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो हमारा क्या होना चाहिए। जैसे देखो, r याद करो, हम आपको क्या बताए थे, r अगर r का मॉड लेस देन 1 अगर होता है तो इनफाइनाइट सीरीज में कुछ तो एक छोटा सा टर्म आता है ना। अगर मॉड r जो है 1 से बड़ा हो जाएगा तब इनफाइनाइट सीरीज में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट चल जाएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या है ना, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न से आप सॉल्व करने का ट्राई करना, सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे आप क्या करना, क्वेश्चन को ऐसे ले लेना, 1+2x+3x2+4x3+... इसमें हम लोग क्या सोचेंगे ना कि हम लोग पहले तो स्टेप 1 आपने ये करा, स्टेप 2 में आपने क्या करना कि आप इसमें कॉमन रेशियो ढूंढना, कॉमन रेशियो क्या है। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये AP में है, 1, 2, 3, 4 AP में है, उसके जो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर देखो, ये सब 1, फिर x, फिर x2, फिर x3, ये तुम्हारा GP में है। तो आपको GP से ही तुमको R मिल जाएगा, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, x3 को अगर x2 से डिवाइड मारोगे तो आपको R मिल जाएगा। तो जैसे आपको R मिलेगा ना, इसी सीक्वेंस में आप क्या करना, R से मल्टीप्लाई कर देना। तो R हमारा क्या है, x है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x into s आ गया। अब सोचो कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिए तो x, फिर प्लस 2x2, फिर प्लस 3x3 प्लस .. मान लेना कि ये इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन B में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर अब हम लोग क्या करेंगे, A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो s-xs चलेगा, यहाँ से तो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 1 मिलेगा। फिर देखो, 2x में से x गया तो क्या बचेगा, x, फिर 3x2 में से 2x2 चला गया तो x2, फिर x3, ऐसा चलते जाएगा, है ना। अब जैसे देखो, यहाँ पर हम लोग को s का वैल्यू निकालना है, तो s कॉमन 1-x। अब आप ये सोचो, क्या आपको ये दिख रहा है GP में, तो ये मजदूरी हम लोग तब तक करते रहेंगे ना जब तक कि हमको एक GP में ना दिख जाए। अब GP में जैसे दिख गया तो इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, A/(1-R), तो A आपका क्या है, 1/(1-R), वो कौन है आपका, x, है ना। तो हम लोगों का s का वैल्यू क्या आ जाएगा, s=1/(1-x)2। समझ में आया क्या,
इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, है ना, जिसमें क्या करना होगा, पहले एस ले लेना, फिर आर आप ढूंढना, आर से मल्टीप्लाई करना, फिर फर्स्ट में सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना, इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अब इस सीरीज का हम लोग क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो कि ये ए जी पी में है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे देखो 3, 5, 7, 9, देखो ऊपर वाला चीज ए पी में है। अब इसको देखो 1/5, फिर उसमें क्या करा 15, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या ए जी पी में आ गया ना, तो ए जी पी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एस ले लेंगे, तो वो क्या आ गया 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल्स टू इसको लिख देंगे, तो 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135 प्लस डॉट डॉट डॉट, चलेगा। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग पहले r ढूंढें, तो r ढूंढने के लिए देखो कौन वाला हिस्सा GP में, ये 1/5, 1/15, 1/45, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म, जैसे 1/15 डिवाइडेड बाय अगर 1/5 कर देंगे तो हम लोग को R मिल जाएगा, तो वो क्या हो गया 1/15 इंटू 5/1, तो ये क्या मिला 1/3। अब R मिल गया ना, तो R जैसे मिलेगा आप इसको R से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो गया S/3, और ये क्या हो जाएगा 3/15 फिर प्लस 5/45 प्लस 7/135 प्लस सो ऑन। इसको आप ए अज्यूम कर लेना, इसको बी अज्यूम कर लेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए में से जैसे हम लोग बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा एस माइनस एस बाय थ्री इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/15 प्लस 2/45 प्लस 2/135 प्लस सो ऑन। जैसे इस हिस्से को देखो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2s/3, इसको तो आप ऐसे इग्नोर करो अभी 3/5 को, इस हिस्से को देखो ये अपने को शुद्ध जीपी में दिख रहा है, तो ये अगर जीपी में दिख रहा है और ये क्या है हम लोगों को इनफाइनाइट टर्म्स वाला है, तो हमको क्या सोचना है इसका सम निकाल लें, तो वो क्या होता है a/1 - r, तो a हमारा क्या है ये है, तो a/1 - r, r क्या है 1/3 है ना, तो इस हिस्से को देखो 2s/3 इक्वल्स टू 3/5 प्लस 2/15 और ये क्या आ जाएगा 2/3 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या आ गया 3/2, ये और ये घूमने गया और ये कितने बार में 5 टाइम्स में है ना, तो इस हिस्से को सोचो तो 3/5 और इधर 1/5 तो क्या आएगा 4/5 आएगा, 4/5 आया, तो इस 2 से इस 4 का गेम होगा देखो तो 2 टाइम्स में, तो s का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला 6/5, समझ में आया क्या, आ गया आंसर। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को आगे भी आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, चलेगा। चलो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि ये 2 से 6 में चेंज आया, 6 से 10, 10 से 14, तो देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है हमारे पास वो ए पी में चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर जो हमारे पास है
थ्री, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर फोर, ये किस में चेंज हो रहा है, ये जीपी में चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ही तो फील हो गया हमारे पास कि ये ए जीपी का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को लेट्स से एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स हमारा क्या आ गया, टू बाय थ्री प्लस सिक्स बाय थ्री टू द पावर टू प्लस टेन बाय थ्री टू द पावर थ्री प्लस फोर्टीन बाय थ्री टू द पावर फोर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अच्छा याद करो तो हम लोग क्या बात किए थे, हम लोगों ने बात करा था कि ए जी पी का अगर क्वेश्चन होता है तो हम लोग उसमें आर ढूंढेंगे पहले, तो आर तो हम लोग को जी पी वाले पार्ट से मिलेगा, तो जी पी वाला पार्ट क्या है, ये थ्री, थ्री का स्क्वायर, थ्री का क्यूब, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वन बाय थ्री। तो ये क्या है, वन बाय थ्री इसका आर है, तो हम लोग वन बाय थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हिस्सा क्या आ जाएगा, एक्स बाय थ्री, और ये क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री का स्क्वायर, सिक्स बाय थ्री का क्यूब, टेन बाय थ्री की पावर फोर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। लेट्स से कि ये वाला इक्वेशन ए है और मान लेते हैं कि ये बी है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम लोग बी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक्स में से एक्स बाय थ्री गया तो क्या बचेगा, टू एक्स बाय थ्री आएगा ना, ठीक है। अब इस हिस्से को देखो, ये क्या आया, टू बाय थ्री प्लस फोर बाय थ्री स्क्वायर प्लस फोर बाय थ्री की पावर थ्री प्लस फोर बाय थ्री की पावर फोर, ऐसा क्वेश्चन दिखने लगा हम लोगों को। अच्छा ये वाले हिस्से को देखो तो ये क्या प्योर जीपी में अपने को दिख रहा है, जिसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फोर बाय थ्री की पावर टू, और आर क्या है हमारा, वन बाय थ्री, और ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी में आ गया। तो इस हिस्से को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो इसको आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, टू एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू बाय थ्री प्लस, ये वाला तो जीपी में है तो इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी वाला क्वेश्चन लग जाएगा फॉर्मूला। तो वो क्या कहता था, ए बाय वन माइनस आर, है ना। तो ए हमारा क्या हो गया, फोर बाय थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, आर इज वॉट, वन बाय थ्री, तो चलेगा ये वाला। तो यहाँ पे देखो टू एक्स बाय थ्री इधर है और इधर टू बाय थ्री, इधर तो अपन ने कोई छेड़खानी करी नहीं है, यहाँ पर हम लोगों का क्या आया, फोर बाय थ्री का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाय थ्री इज वॉट, टू बाय थ्री, है ना। तो टू बाय थ्री इधर, इसको इसको डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसके साथ फ्रूट निंजा खेल सकते हो, तो ये थ्री थ्री का गेम हो गया, फिर इस टू से इस फोर का गेम कर सकते हो, तो ये गया घूमने, हमारे पास क्या बचा, टू एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू बाय थ्री एंड टू बाय थ्री, तो कितना आ गया, फोर बाय थ्री आ जाएगा। अब देखो ये थ्री से थ्री का गेम हो जाएगा और इस टू से इस फोर का गेम हो जाएगा टू टाइम्स में, तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, टू, है ना। और अपन ने x क्या अज्यूम करा था, इस हिस्से को, तो इस वाले सीरीज का सम क्या हो जाएगा, ये पहले क्या था, वन प्लस एक्स था, तो अभी अपन ने क्या x का वैल्यू डिराइव करा है, टू, तो यहाँ पे हम लोगों का सम का वैल्यू क्या आ गया, थ्री, यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया क्या, चलो फिर इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है, इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ के इज, हम लोगों को ये इसके इक्वल दे दिया है और बोल दिया जा रहा है कि हमको के का वैल्यू बताना है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझने का ट्राई करो, जैसे देखो ये 10 की पावर 9 है, फिर 10 की पावर 8 हो गया, 10 की पावर 7, और इधर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 10 का पावर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये देखो ये डिक्रीज कर रहा है ना, तो और इसके बाद देखो 10 का जो पावर है डिक्रीज कर रहा है, और 11 का पावर देखो यहाँ पर 0 था, फिर 1, फिर 2, और यहाँ से 9 तक चला गया, यानी हम लोगों का क्या 11 का पावर इंक्रीज कर रहा है, यानी देखो जीपी तो है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चल रहा है ना, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, 2, 3 डॉट 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 टिल 10, वो भी क्या आ रहा है, वो भी हमारा एपी में आ रहा है, तो ये एजीपी का क्वेश्चन हो गया ना। एजीपी का क्वेश्चन क्यों हो गया, क्योंकि कोएफिशिएंट इसके किस में है,
एपी में है और इसका जो रेशियो है, रेशियो जैसे आप इसको देखोगे 11/10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, है ना, 11/10 यानी ये वाला पार्ट, फिर 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर 11/10 ऐसे ऐसे करते गए तो हम लोगों को इसका वैल्यू मिलते जाएगा। अब हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या सोचा था कि हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक्स इक्वल्स टू दिस लिख देंगे, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू इसको मान लो इसी के लिए देते हैं 10^9 प्लस 2 × 11^1 10^8 प्लस 3 × 11^2 × 10^7 प्लस ... और ये 10 × 11^9, है ना। हम लोगों ने देखा कि इसका कॉमन रेशियो क्या है 11/10, तो हम लोग 11/10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 11/10 से मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 11 × 10^8। देखो अब इसमें हम लोग को 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 11 का स्क्वेयर 10^7, है ना। अब जैसे देखो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, वो किसकी वजह से आ रहा है, पीछे वाले की वजह से आ रहा है ना। तो हम लोग क्या इसके पीछे वाले की वजह से ये लिख सकते हैं 9 × 11^9 प्लस, अब इसमें भी तो 11/10 मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाले हिस्से में 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से 10 का गेम हो जाएगा और 11 की पावर क्या आ जाएगा 10, चलेगा। अब क्या करते थे, इस इक्वेशन को ए अज्यूम कर लेते थे और इसको बी, है ना। अब हम लोगों ने सोचा था कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए में से जब बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स बाय 10, सही है क्या, वहाँ एलसीएम क्या आएगा 10 और वो क्या आ जाएगा 10x माइनस 11x बाय 10, तो माइनस ऑफ x बाय 10 आ गया। अब इसको देखो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये ही आएगा 10^9, है ना, प्लस ये सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा 11 × 10^8 प्लस 11 का स्क्वायर 10^7 प्लस ... प्लस ये आ रहा हिस्सा क्या आ जाएगा 11^9 माइनस 11^10। ये क्यों, यहाँ पर तो जीरो है ना, जीरो माइनस दिस, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। अब आप नोटिस कीजिए कि क्या ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये प्योर जीपी में है, क्यों, क्योंकि जैसे देखो 10/10^9 है ना, तो इसमें अगर 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, अब इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्योर जीपी में आ गया, तो इसमें हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इधर तो अपन कोई छेड़खानी कर नहीं रहे, तो ये तो ऐसे ही रखाएगा, है ना। तो इस हिस्से को आप नोटिस करो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, सबसे पहले जैसे कि इसका तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, a × r − a r·n − 1 / r − 1 होता है, है ना। तो यहाँ पर a का तो हमें पता चल गया है कि a हमारा है 10^9, है ना। अब r हमारा क्या आएगा, r आएगा 11/10, तो 11 आर हमारा क्या आएगा 11/10। अब इसके में हमको पावर में कुछ नंबर डालना है ना, तो कितने सारे टर्म्स हैं, तो वो कैसे आप नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पर देखो 11 का पावर क्या है 0, फिर 1, फिर 2 और ये टिल 9, तो इसका मतलब 11 का पावर 0 से स्टार्ट हो करके 9 तक गया है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 है ना, क्योंकि 9 1 2 3 4 1 से लेके 9 9 हो गए और वो 0 वाला 1, तो यहाँ पे क्या पावर आ जाएगा 10 माइनस r·n − 1 डिवाइडेड बाय r − 1, r क्या है 11/10 − 1, है ना, और ये वाला हिस्सा तो है इसे 11^10। अब इसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, यहाँ क्या आ गया 10^9 और ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा 10^10 और ये 11^10 − 10^10
अब इस हिस्से को देखिए तो 11 माइनस 10 बाय 10 तो क्या वो 1 बाय 10 आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये 10 बाय 1 आ गया माइनस 11 की पावर 10। इस हिस्से से आप देखिए ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 और ये 10, तो 10 टू द पावर 10 हो गया, तो ये घूमने गया, सही है। अब इसको देखो आप, ये 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10 और ये किसके बराबर आएगा माइनस ऑफ एक्स बाय 10, तो ये और ये घूमने गया। और इस हिस्से को देखो, ये माइनस और ये माइनस जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट 10 टू द पावर, ये वाला 10 उधर 10 वो भी तुम्हारे पावर में है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ 11 आ गया। अब इसको देखो, हमारा आंसर दे रहा था के टाइम्स 10 टू द पावर 9, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये वाला हिस्सा क्या k के बराबर आ जाएगा, यानी k इज इक्वल टू व्हाट 100, समझ में आया क्या, है ना। तो ये वाला देखो, ये जे डबल ई में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको समझ में आया कि हम लोग देखो सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस को लगा पा रहे हैं, और वो भी पेपर में आए वाला, ऐसा नहीं कि अपन इजी वाला कोई भी क्वेश्चन उठा करके बना रहे हैं, है ना। बस ये रहना चाहिए कि हम लोग का कॉन्सेप्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप रखिए, बनते जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर देखो हमारे पास कैसा चल रहा है, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स तक हम लोगों को इसका सम करना है। अब जैसे देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि जैसे इस हिस्से को 1 को छोड़ो, ये 2/3 7/3 का स्क्वायर 12/3 की पावर 3, तो ये जैसे देखो डिनोमिनेटर हम लोगों का क्या जीपी में है, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर हमारा क्या आ गया 1/3। अब जैसे देखो 2 से 7 यानी 5 का चेंज, 7 से 12 अगेन 5 का चेंज, 12 से 17 अगेन 5 का चेंज, तो जैसे देखो हम लोगों ने फील कर लिया क्या कि ये AGP का क्वेश्चन है, तो AGP का क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने क्या सोचा था, सबसे पहले उस वाले सीरीज़ को आप x अज्यूम कर लीजिए, तो x अज्यूम करते हैं हम लोग 2/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 की पावर 3 प्लस 17/3 की पावर 4 टिल इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करते थे, r ढूंढते थे और r से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो r हमारा क्या है 1/3, तो r से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/3, तो क्या आ जाएगा x/3, ये वाला हिस्सा क्या आ गया 2/3 का स्क्वायर 7/3 की पावर 3 12/3 की पावर 4 टिल इन्फिनिटी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मानते थे, a और इसको b। अब इमेजिन करो कि जैसे ये दो इक्वेशन आ गया, हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग कर देते थे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट, तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम लोग, a को a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x माइनस x बाय 3 तो क्या आया 2x/3 आएगा। यहाँ पे देखो दिस माइनस 0 तो यही आंसर आना है 2/3 प्लस, ये देखो तो ये 5/3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का क्यूब प्लस 5/3 की पावर 4, है ना। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या हमारे पास ये वाला हिस्सा क्या ये प्योर जीपी में है, है ना, इसमें तो कोई एजीपी वाला गेम नहीं है, तो इसमें हम लोग जीपी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला। तो उसमें हम लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको तो ऐसे लिखना है हम लोगों को, है ना। यहाँ पे देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी में क्या आता था, a बाय 1 माइनस r, तो a हमारा क्या है 5/3 का स्क्वायर बाय 1 माइनस r, r क्या है 1/3। आप कोशिश करना ना कि ऐसे ही लिख करके सॉल्व करना, इससे क्या होगा ना आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे दिस बाय दिस लिखोगे ना तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा सा मतलब चांस है कि गलती हो जाए, बट ऐसा करोगे तो इससे गलती नहीं होता है, मतलब चांस कम ही है गलती होने का। तो यहाँ क्या आ गया 2x/3 इक्वल्स 2/3 प्लस 5/3 का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा
टू बाय थ्री, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 3/2, ये 3 से ये गया, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ 3 से 2 आया, 2, 4 और यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 2x/3। अब इस देखो इस 6 के साथ इसके साथ हम लोग गेम कर सकते हैं, तो ये 2 आया, तो ये x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू आया 5, 4, 9, 9/4 है ना। बट ये तो अपना आंसर है नहीं, हमारा आंसर क्या है इधर x+1 है ना, 1+x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का 1, और x के जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग 9/4, तो यहाँ पर क्या आ गया 13/4 चलेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम लोग देखो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दिमाग लगा के बना लिए, खाली कॉन्सेप्ट सेम है ना, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगा रहे हैं हम लोग। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग का इस बार लिमिट कर दिया है, 30 टर्म्स तक बोला गया है सम करने के लिए, तो इसको देखिए आप कि क्या हमारे पास ये AGP में है क्या, जैसे ये देखो ये 7, 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 7 की पावर 4 ऐसा तक जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे देखो 7 का पावर इंक्रीज़ कर रहा है, यानी ये GP में जा रहा है ना। अब ये सोचो इस 3 को देखो, फिर 5, फिर 7, फिर 9, देखो ये 2-2 से बढ़ रहा है, यानी ये AP में है ना, यानी ये क्वेश्चन क्या आ गया, फिर से AGP में आ गया, तो AGP में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एस अज्यूम कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर इसको रिकॉपी कर लेते हैं, 3+5×7+7×7 का स्क्वायर+9×7 की क्यूब प्लस, यहाँ हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। अब सोचिए कि हमको 30 टर्म तक जाना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ 7 का पावर 0, फर्स्ट टर्म में 7 का पावर 0 है, सेकंड में 7 का पावर 1 है, तो 30th टर्म में 7 का पावर क्या होगा, 29 होगा क्या, देखो ना फर्स्ट में 0, सेकंड में 1, थर्ड में 2, तो 30th में कितना आ जाएगा, 29। अब हम लोग को सोचना है कि यहाँ पर ये इसका कोएफिशिएंट में क्या आएगा, है ना, कोएफिशिएंट में क्या आएगा, तो जैसे देखो 3, 5, 7, 9 ये AP में है, तो A30 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, A30 इक्वल्स टू क्या आएगा, A+29D, तो A तो हमारे पास 3 है और 29 की जगह पे 29, और D का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास 2, तो 3+58, तो हमारे पास क्या आ गया 60, तो हमारे पास क्या आ गया 61, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट में क्या आ जाएगा 61 है ना। अब जैसे देखो 61 अपन ने निकाल लिया, अब हमारे पास क्या चल रहा है, अब हम लोग क्या सोचे थे कि इसको R से मल्टीप्लाई कर देना है, तो R से आप मल्टीप्लाई कीजिए, R क्या आया है इसका 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7s, तो ये 3×7 5×7 का स्क्वायर 9×7 का क्यूब प्लस ... और इधर जैसे देखो यहाँ क्या आ गया 7×7 का क्यूब ... यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये देखो 2 कम है 5, 3, 7, 5, 9, 7, तो यहाँ 61 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 59 और 7×29 प्लस ये वाला आगे भी प्रोसीड कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 61, 7×30 है ना। इसको ए अज्यूम करो, इसको बी। अब आप सोचिएगा कि हम लोग क्या करते थे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ से एस में से 7s गया तो -6s, यहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रहा 3+2×7+2×7 का स्क्वायर + 2×7 का क्यूब ... 2×7 की पावर 29 माइनस, ये देखो 0 - 10, तो ये क्या आ जाएगा 61×7×30 है ना। अब आप देखिए इधर तो -6s, इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले पार्ट को है ना, क्या ये प्योर जीपी में है
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करते हैं। आप जैसे देखो, सम ऑफ एन टर्म्स इन जी पी हम लोग लगा सकते हैं, तो वो क्या कहता था, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो ए हमारा क्या है, 2.7 मतलब 2 इंटू 7 है ना, इसको आप इस तरह से सोचिएगा। आर टू द पावर, आर तो अपना 7 ही है, और आर टू द पावर एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके 29। तो इसमें 29 टर्म्स हैं, 29 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, और ये इधर 61 इंटू 7 की पावर 30। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास s का वैल्यू, जैसे इसको देखो, हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसको माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6s विल बी व्हाट, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 61 इंटू 7 की पावर 30, और ये सब माइनस में चले जाएंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7 की पावर 29 माइनस 1 बाय 6। अब ये 6 को आप इधर भेज दीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब हम लोग इनफाइनाइट वाला नहीं भी रहेगा ना, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस बार हम लोगों को सम दे रहा है इस टाइप का। जैसे देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, है ना। तो ये वाला भी देखो कोएफिशिएंट एपी में है, स्क्वायर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो एपी का ही स्क्वायर है ना। तो आप इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगा सकते हो, एपी में आया और इसका कोएफिशिएंट, इसको देखिए, ये देखो 1/5, फिर 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, 1/5 का पावर 4, यानी देखो 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये एजीपी का क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखो हम लोग क्या करते थे, इसको एक्स ले लेते थे, है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 1/5 प्लस 3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 1/ क्वेश्चन ही गलत है, चलो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/5, 3 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 का क्यूब। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है ना, आप इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये ए पी वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया है ना, तो भी ये आप ए जी पी का क्वेश्चन ही समझना, इसको आप इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। बस इससे ये मतलब है ए जी पी का कि फर्स्ट पार्ट हमारा ए पी में होना चाहिए और सेकंड पार्ट जी पी में होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी ये देखो, ये जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब ए पी में है, बस इतना काफ़ी है ना। और उसके बाद 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, ये तो तुम्हारा जी पी में दिख ही रहा है, तो हम लोग इसको ए जी पी का क्वेश्चन ही कंसिडर करके आगे बनाएंगे। अब जैसे देखिए, हम लोग क्या करते थे, इसको x अज्यूम कर लेते थे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा इन्फाइनाइट तक। अब हम लोग क्या सोचते थे ना कि हम लोग इसके r को ढूंढेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो r हमारा क्या है, 1/5 है ना, तो 1/5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो x/5 आ गया। इस वाले हिस्से को देखो, ये 1 का स्क्वायर इंटू 1/5 हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर, फिर इसमें 3 का स्क्वायर इंटू 1/5 का क्यूब, ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर 4 ... हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट वाले को ए अज्यूम कर लेते थे और सेकंड वाले को बी, और हम लोग क्या कर रहे थे, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा,
फोर एक्स बाय फाइव, है ना। अब सोचो कि a में से b, तो 1 में से 0 गया तो 1, फिर प्लस इसको देखो 2 का स्क्वायर, ये तो 1 बाय फाइव कॉमन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन क्या सोच सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो 3 आएगा और a माइनस बी करें तो 1, तो 3 इंटू 1 बाय फाइव प्लस, फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी अगर हम लोग किए तो 5 आया और इधर, और a माइनस बी करें तो 1 आया, फिर यहाँ पर 1 बाय फाइव का स्क्वायर, यहाँ पर 7 इंटू 1 बाय फाइव का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 बाय फाइव का पावर 4 टेल इन्फिनिटी। अभी भी देखो हम लोग क्या सोचे थे कि हम लोग ऐसा काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि प्योर जीपी में ना आ जाए। अभी देखो क्या जीपी में है, नहीं है ना, अभी भी ये ए जीपी में चल रहा है, तो हम लोग इस इक्वेशन के क्या अज्यूम कर लेते हैं सी, क्योंकि ये अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखो फिर से देखो, आपको ए जी पी में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यानी दो स्टेज लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से आर ढूंढेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर हमारा 1 बाय फाइव ही है, तो ये क्या हो जाएगा 4x बाय 25, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 बाय फाइव प्लस 3 इंटू 1 बाय फाइव का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाय फाइव का क्यूब, ये क्या है हमारा 5 इंटू 1 बाय फाइव का क्यूब प्लस 7 इंटू 1 बाय फाइव की पावर 4 टेल इन्फिनिटी। ये 5 का पावर 4 ही आप अज्यूम करना। अब जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बार करेंगे C में से D को सब्ट्रैक्ट, है ना, C में से D, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर एलसीएम आपका आना है 25, फिर यहाँ पे 20x माइनस 4x, है ना, यहाँ से तो क्या आएगा 1 और फिर इधर 2 बाय 2 इंटू 1 बाय 5 प्लस 2 इंटू 1 बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 बाय 5 का पावर 4 प्लस डॉट 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 टेल इन्फिनिटी। अब देखो, अब हम लोग को यहाँ से देखो ये हम लोगों को मिल गया प्योर जीपी में, तो इस पे हम लोग जीपी वाला फार्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला, वो क्या था a बाय 1 माइनस r, है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 16x बाय 25, और इधर इसको तो छेड़ना है नहीं, इधर देखो a बाय 1 माइनस r, a क्या है आपका 2 बाय 5 बाय 1 माइनस r, r क्या है 1 बाय 5 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय 5 इंटू, ये देखो ये 4 बाय 5 बनेगा, तो अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 5 बाय 4, तो ये और ये घूमने गया, इससे ये घूमने गया, तो ये क्या 1 प्लस 1 बाय 2, तो कितना आया 3 बाय 2। अब जैसे देखिए यहाँ x का वैल्यू 16x बाय 25 इक्वल्स टू क्या आ गया 3 बाय 2, तो x का वैल्यू हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये आ जाएगा 75 बाय 32, ये रहा हमारा x का वैल्यू 75 बाय 32, तो यही रहा हमारा आंसर, समझ आया क्या। तो इतना समझ में आया आप लोग को, होपफुली इस टॉपिक में आपको काफ़ी कमांड आ गया होगा, है ना, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को कुछ और अटेम्प्ट कीजिएगा, दिए गए जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं आप लोग इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करने का ट्राई करना, आपके पास कुछ मॉड्यूल्स होंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दे दें, तो आप क्या करना उसको अटेम्प्ट करना, डाउट्स आए तो प्लीज़ आप शेयर करना हम लोगों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वर्थ इट लगता है कि ये सारे वीडियोस हम आपके काम के हैं, तो प्लीज़ आप खुद भी देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि पैसा वैसा तो लगना है नहीं, फ्री है, मजा लो, सबको ही शेयर करो, खुद को मतलब और अपने JEE के प्रिपरेशन के आसपास खुद को लेके जाओ और मोटिवेटेड रखना खुद को। हम लोग रेगुलरली इस चैनल पर वीडियो पोस्ट करते जाएंगे और हम लोग साथ में मिल करके IIT क्रैक करेंगे। चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस पे कमांड कीजिए,
चलो इस सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, और अगर आपको ये वीडियोस वर्थ इट लगता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ करना, फ्री है, मज़ा आएगा यार, फुल शेयर करो।